मैं हूँ यमा FZS वर्जन 4। मैं हूँ बजाज पल्सर N160। मैं आता हूँ 149cc एयर कूल्ड इंजन के साथ जो कि 12.4 PS का पावर और 13.3 Nm का टॉर्क जन करता हूँ। मैं आता हूँ 164.82cc ऑयल कूल्ड इंजन के साथ जो कि 16 PS का पावर और 14.65 Nm का टॉर्क जन करता हूँ। तो एक पॉइंट N160 को मैं आता हूँ सिंगल चैनल ABS के साथ। मैं आता हूँ सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS के साथ। एक पॉइंट N160 को मैं आता हूँ फुली डिजिटल डिस्प्ले के साथ जिसमें दिया गया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मैं आता हूँ इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ, कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दिया गया है। एक पॉइंट FZS को मैं आता हूँ 45 से 50 kmph तक माइलेज। मैं आता हूँ 45 kmph तक माइलेज। एक पॉइंट FZS को मैं आता हूँ USB चार्जिंग सॉकेट के साथ, मेरे में नहीं दिया गया है। एक पॉइंट N160 को मेरी टॉप स्पीड 118 kmph तक है। मेरी टॉप स्पीड 125 kmph तक है। एक पॉइंट N160 को मेरी एक्सट्रीम प्राइस 128,000 रुपए तक है और मेरी एक्सट्रीम प्राइस सिंगल चैनल ABA के साथ 123,000 रुपए तक है और डुअल चैनल ABA के साथ एक्सट्रीम प्राइस 130,000 रुपए तक है। तो एक पॉइंट N160 को तो इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगा, मैं या फिर मैं? ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए।